24 Live Review. भागलपुर में मुहर्रम की आठवीं पर शुक्रवार देर रात कोतवाली चौक और किला घाट इमाम बारा में पैकरों ने जमकर उपद्रव मचाया। वहीं आपको बता दे, कोरोना को लेकर सरकार ने हर तरह के धार्मिक आयोजन पर रोक लगा रखी है, फिर भी भारी संख्या में पैकर सड़क पर निकल पड़े और इमाम बारा में घुसने का प्रयास करने लगे। कोतवाली चौक और किला घाट इमाम बारा में पहले से बैरिकेडिंग की गई थी, जिसको पैकरों ने तोड़ दिया। पैकरों को पुलिस ने रोकना चाहा तो वह पुलिस से ही उलझ गए और मारपीट करने लगे। वहीं किला घाट इमाम बारा से पुलिस ने पैकरों को खदेड़ दिया तो वे लोग कोतवाली चौक इमाम बारा पहुंच गए, वहां भी बैरिकेडिंग को तोड़ने लगे। वहां पुलिस ने रोका तो मारपीट की और पथराव कर दिया। पथराव में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। इसके बाद उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और इमाम बारा में घुसकर तोड़फोड़ की और सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ दिया। किला घाट इमाम बारा में सबसे पहले हंगामा हुआ। वहां पैकरों को रोकने के लिए सड़क पर ही बैरिकेडिंग की गई थी। खुद ततारपुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और मुहर्रम कमेटी के लोग वहां तैनात थे। इसी दौरान करीब सैकड़ों की संख्या में पैकर इमाम बारा में घुसने का प्रयास करने लगा। पुलिस और मुहर्रम कमेटी के लोगों ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन लोग थानेदार से ही धक्का मुक्की करने लगे। वहीं पैकरों ने मंदरोजा चौक पर भी जमकर बवाल काटा। लाठी डंडा लेकर पैकर सड़क पर हंगामा करने लगे, राहगीरों के साथ मारपीट की और एक की बाइक क्षतिग्रस्त कर दी। वहां स्थानीय लोग और उपद्रवी भिड़ने को तैयार हो गए। तब चौक पर तैनात 3 जवानों ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी पैकर मारपीट करने लगे। जवानों ने मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उनसे उलझ गए और मारपीट पर उतारू हो गए। तब जाकर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज से पैकर तितर बितर हुए। वहीं इस सारे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया, किला घाट और कोतवाली चौक पर हुए हंगामे को लेकर 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही करेगी। देखे भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मुहर्रम 30 तारीख को मनाया जाना संभावित है और उसको लेकर के पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्था किया गया है। शांति समिति की बैठक की गई है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के कोई धार्मिक जुलूस नहीं ले जाने का जो माननीय जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है और सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है, अपील किया गया है, उसके माध्यम से तो किसी भी प्रकार का कोई जुलूस नहीं ले जाना है। इसका लगभग सभी लोग पालन कर रहे हैं, परंतु आज ये पाया गया है कि कुछ लोग जो कि काफ़ी युवा वर्ग के हैं, उनके द्वारा इसका वायलेशन किया गया है और उसको पुलिस के द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया और जब नहीं मान रहे थे तो उनको वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया गया है। कल भी ऐसी संभावना है कि कुछ लोग जो पूर्व के वर्षों में देखा गया है कि कल भी लोग धार्मिक जुलूस निकालते रहे हैं, मतलब मुहर्रम के एक दिन पहले, तो उसको लेकर के कल की किसी भी प्रकार की कोई समस्या कल नहीं हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है और अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। रैफ भी भागलपुर में आज शाम में आया है, उसको भी हम लोग कल प्रतिनियुक्ति करेंगे। कल और कल से लेकर के मुहर्रम की समाप्ति तक सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि जो कोरोना के रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके अनुसार ही कार्रवाई करें, किसी भी प्रकार का धार्मिक जुलूस नहीं निकालें। जिस प्रकार जो व्यवस्था उसको आपसी सहमति से निकाली गई है कि अपने अपने इमामबाड़े में या अपने अपने घरों में पूजा करें और जुलूस के शक्ल में कोई भी भीड़ को नहीं निकालें, तो इसका आप लोग सख्ती से पालन करें और जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के जवान भी घायल हैं?
ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन हम लोग इसमें 2 FIR करा रहे हैं। एक कोतवाली थाना के आसपास जो समस्या उत्पन्न हुई थी और एक ततारपुर थाना में मंगरोजा चौक के पास जो समस्या उत्पन्न हुई।